खुदावंद यीशु की जय। खुदा की जिंदगी बख्श और ला तब्दील कलाम, रूह पर्वत परस्तिश और पुरसोस दुआओं से बरकत पाने के लिए देखते हैं खुदावंद यीशु की जय। यीशु की जय। आज यहाँ पे बंद जबाने खुल जाएंगी यीशु के नाम में। आइए यीशु, मैं आपके उसी इख्तियार में अब मेरे खुदा आपका दाहिना हाथ मांगता हूँ। अब मेरे खुदा जिस तरह तू यरूशलेम में मेरे खुदा गूंगे सुनते थे, प्यारे सुनते थे, गूंगे बोलते थे, प्यारे यीशु आज वही 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 बोलता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मेरे खुदा बेटी बोलना शुरू हो यीशु के नाम में। हालेलुया। बोलिए बोलिए पुकारिए यीशु का नाम, यीशु का नाम पुकारिए, यीशु का नाम पुकारिए। हालेलुया। किस तरह? हालेलुया। राह के किनारे उसने यीशु का नाम लिया और वो जन्म चंदा क्या हुआ? शिफा पा गया। आज भी बहुत सी शिफाएं हो रही हैं। आप भी बताएं, आप भी बताएं जी, बताएं। मेरी बेटियां बोलती नहीं सी है, कौन बोल रहा है? आज यीशु का नारे लाएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में ये बच्चा भी बोलना शुरू, यीशु के नाम में बोलना शुरू हो, यीशु के नाम में, यीशु का नाम पुत्र द्वारा बोलना शुरू कीजिए। हालेलुया। यीशु का नाम लीजिए। यीशु कहें, यीशु क्या कह रहे? यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया। खुदा पाक का तेरा दाहिना हाथ मांगता हूं बच्चे पर। खुदा पाक का बड़े मौजे करने वाला खुदा मैं तू हूं। ऐ प्यारे खुदा, इस जिंदगी में ये जो पहाड़ है प्यारे खुदा रेजा रेजा हो जाए। ऐ प्यारे खुदा, गूंगे बोलना शुरू, लंगड़े चलना शुरू, बेरोजगार प्यारे खुदा रोजगार पाए, अगर कैंसर जैसी बीमारियां ऐ प्यारे खुदा ये गूंगापन यीशु के नाम में खत्म हो, यीशु के नाम में प्यारे खुदा। जिस तरह शमाऊन पत्रस ने कहा, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, मेरे पास जो कुछ है यीशु के नाम है, यीशु के नाम है, यीशु के नाम है। बोलना शुरू, यीशु के नाम है। हालेलुया 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 हालेलुया। सब अपनी आंखों से बंद कीजिए। जिनके पास गवाहियां ऊपर आए, जिन्हें खुदा ने छुआ है, जिनकी जिनकी जिंदगी में मौजदा हुआ है, वो ऊपर आए। इस बैन को फालिश था, अभी ठीक होगी, यीशु ने इनको शिफा बख्शी है। बड़े दिनों से मैं हाथ हिला नहीं सकती थी, लेकिन अभी अभी मैं यहाँ से गुजरी हूँ तो मैंने कहा मेरे पास में बहुत दर्द है, मैं तो ऐसे कर नहीं सकती, लेकिन मैं वहाँ हिलाती रही हूँ, हिलाती ही है, मैं हिला रही हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने एक मफलूज से उसको कहा, चल अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। वो मफलूजों को शिफा बख्श देता है। आज भी उसने ये देखो बाजू जो हिल रहा है ये फालज में था, जोर से लाए। हालेलुया। सबको सलाम भाई, जब आप दुआ कर रहे थे ना तो खुदा की पाकरू मुझे मिली है। हालेलुया। रूहुल कुद्दस का बपतिस्मा हुआ है। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, यीशु के जलाल के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मैंने ईमान की आंखों से एक लंगड़े को चलते हुए देखा है। मैं जब प्रस्तुत कर रहा था, एक लंगड़ा चल रहा था मेरी आंखों के सामने। हालेलुया। अगर वो सामने है तो आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसको सामने लेकर आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा बुजुर्ग आसमानी बाप, आज यहां से कोई भी खाली ना जाए, तेरी पाकरू की आग से अपनी जिंदगी में बड़े बड़े बोझ लेकर जाए, बड़ी बड़ी शिफाएं लेकर जाए।
मेरे लोग प्यारे खुदावन तरह तरह के मौजे आज अपनी जिंदगी में लेकर जा मेरे खुदावन, खुदावन छू अपने लोगों को। गवाही वाले जो जिन्हों ने खुदावन ने तीनों दिनों में जिसको बरकत मिली वो आगे आ सकता है। आपके सामने आपके यीशु ने जन्म मरने को चला दिया आज ये हालेलुया हालेलुया ये आप अपनी स्थिति चल के दिखाएं हालेलुया यीशु के नाम में जोर जोर तालियां यीशु के नाम में जोर हाथ ऊपर करके यीशु के नाम में हाथ ऊपर करके यीशु के नाम में तालियां बजाएं हालेलुया हालेलुया। ये भाई सुन नहीं सकता था आज यीशु की प्रस्तुति सुन रहा है हालेलुया आज यीशु की प्रस्तुति सुन रहा है। ये बोल भी नहीं सकता सुन सकता अब हम दुआ करेंगे ये बोलना भी आज से शुरू करेगा यीशु के नाम में हालेलुया बैठ जाओ यीशु के नाम में हालेलुया कहो हालेलुया 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 ज़बानें खुल जाए जोर जोर तालियां बजाइए यीशु के जलाल के हालेलुया हालेलुया जोरदार तालियां ये चल नहीं सकता था आज चल रहा है यीशु के नाम में हालेलुया 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 कर दे हालेलुया। ये यीशु के नाम में मौकूफ है जिसे यीशु ने हैकल में ठीक किया था आज यीशु के नाम में हम इसे वही यीशु का इख्तियार मांगते हैं और ये कुंभ फिर बिल्कुल सीधा यीशु के नाम में हालेलुया ईमान के साथ अच्छा दुआ करें शुरू हालेलुया हालेलुया सब अपनी आंखों से बात करें हालेलुया हालेलुया यीशु आज ये मौजदा कर प्यारे खुदावन जो तूने हैकल में किया आज यीशु ये तमाम प्यारे खुदावन प्यारे खुदावन ये कमर जो सीधी हो जाए यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम में सीधी हो जाए यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया। प्यारे खुदावन जब तूने उसे ताकत बख्शी है वो चलना शुरू किया है तो आज प्यारे खुदावन सारा बदन प्यारे यीशु के नाम में शिफा पाए हालेलुया 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 आपको क्या बीमारी थी मालज था दोनों हाथ लड़ाए दोनों हाथ लड़ा दोनों हाथ लड़ा ये हाथ देख सकते हैं बहुत कमजोर है मगर यीशु मेरे ने उठा दिया ये हाथ हालेलुया
दोनों बाजुओं पर, दोनों बाजू उठाकर लहराए यीशु के नाम में। जब आपको कहा जाता है हाथों को लहराएं, तो मैं आपको बता दूं ये खुदा के पर हैं, जैसे उन्हें फरिश्तों को दी है। सूखे हाथ जब आप लहराते हैं तो वो जोर, वो ताकत पकड़ लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र हो। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आप बहन भाइयों की दुआ की वजह से 5 साल से मेरी बहन के घर औलाद नहीं थी, लेकिन खुदा की, मैं पहले दिन जब पेंशन थी तो यहाँ पर आई थी, मैंने उस दिन उनके लिए दुआ मांगी खड़े होके, और आप सब बहन भाइयों ने भी मेरे लिए मांगी, और अंकल डॉक्टर किसको ले गए, उन्होंने बताया कि आपकी बहन प्रेग्नेंट है। मैं इलाज मिलना शुरू हो चुकी है यीशु के नाम में। हालेलुया। अबलीस ने उसे झगड़ा हुआ था, किसने शिफा दिया? यीशु ने। यीशु मसीह के लिए दौड़ दौड़ तालियां। अंकल जब गीत गाते थे ना, बदल गया मेरा सारा जीवन, आज मेरा जीवन भी बदल गया। हालेलुया। 2 साल से मरीज में थोड़ी थी, और आमिर ने इतनी मेडिसिन ली तो दो थे हम, अब जी के मिले। हालेलुया। बहन बीमार थी, दवाइयां ले लेकर थक चुकी है, वो 12 वर्ष बीमार औरत की तरह, आज उसे शिफा मिली है यीशु के नाम में। कल मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही थी और मैं भाग कर रही थी, तो मुझे यीशु नजर आए। आपको यीशु नजर आए, उसने शिफा दे दी है। हालेलुया। बेटी को यीशु मसीह नजर आए हैं, और जिसे यीशु नजर आए वो बीमार रह सकता है, जिसे यीशु नजर आए वो बीमार रह सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोर जोर तालियां बजाएं। इसी में सब बहन भाइयों को मेरा सलाम। ये खड़े खड़े अभी मेरे साथ मौजा हुआ है, मैं इतनी लगन से दुआ कर रही थी, मेरी बच्ची जब से पैदा हुई है उसके जिस्म पे दाग है, मैंने इतनी लगन से दुआ करी कि मेरे सामने यीशु मसीह खुद रूह उनकी नजर आई है, और मेरी बेटी ऐसे खड़ी है, मैंने आंखें बंद की हुई हैं, और उसके ऊपर ऐसे पानी गिराया जा रहा है। अब मैं देखे मेरे सामने मौजा हुआ है, और मेरी देवरानी जो 8 साल से बे औलाद है, उनके लिए दुआ करें कि वो उनको औलाद। आज यहाँ से कोई खाली नहीं जाएगा, यीशु आज सबको भर कर जाएगा। हालेलुया। मेरी तरफ से सारे सलाम भैनों भाइयों। मेरी लत्त से 4 महीने तो दर्द सी, नाड़ खिंची हुई सी, उदा पट्ठा खिंचया सी, हुणे दुआ होई है ते मैं अपने आप बह भी सकनी है ते उठ भी सकनी हां। यीशु ने मौजदा कीता मेरे नाल। हां, किसने शिफा दी है? यीशु ने। हालेलुया। अब बहन जरा थोड़ा सा इधर, अब बहन जरा चल के दिखाए किस तरह आपसे बैठा नहीं जाता था, टांगों में दर्द थी, जोड़ों में दर्द थी, अब दर्द कहां गई है? खत्म हो गई यीशु के जलाल के लिए जोर जोर तालियां। हालेलुया। सबको सलाम। मैंने बीमार बड़ी 40-50 साल तो मेरी बखी दे विच शैतान ने मैनू बहुत घेरिया है, ते थोड़े दिनों को बहुत तंग मैं रहनी हाँ, बड़ी दुआ करनी है, पर फिर भी शैतान दा लाउंदा है कमजोरी। शैतान अपने फटिया समेत ही नस गया है। हालेलुया। फटे चक देंगे, कितने फटे चक देंगे। एक रब दे कमी हत्था दे विच अपने आप नु यीशु नाच शैतान नु डांटा, यीशु नाच शैतान नु डांटा, झूठियां दे बाप नु फिर चक दो फटे, फिर चक दो फटे, चक दो चक दो, फिर चक दो फटे, फिर चक दो फटे। मेरी बहन भान भाइया को सबको सलाम। मैं दुआ करती सी, मेरी जुबान बहुत अटकती सी, तो मैनू खुदा का शुक्र हूँ दुआ भी सही आन डई है, तो जोड़ा दियाँ दर्दा 6-7 साल हो चले सी, तो दर्दा नहीं सी जांदियाँ, बहनी सद उठे नहीं सी जांदा, भौं ते हथ रख के उठती सा। यीशु ने
ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਤਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਯਸੂ ਬਾਪ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਪਾਸਟਰ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਆਪ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਕੀ ਗਾਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਪੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਾ ਮੁਕਦਮਾ ਥਾ, ਮਗਰ ਮੈਨੇ ਜਬ ਯਹਾਂ ਫਸਟ ਡੇ ਆਈ ਥੀ ਨਾ, ਤੋ ਮੈਨੇ ਦੁਆ ਕੀ ਥੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਕੋ ਰਿਹਾਈ ਦੇਗਾ, ਮਗਰ ਵੋ ਅੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੂੰ ਜੋ ਮੋਜ਼ਾਨਾ ਖਿਦਮਤ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਲੀਮ ਅਨਾਇਤ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੇ ਨਬੂਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਆਪਨੇ ਔਲਾਦ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਯਸੂ ਕੇ ਫਜ਼ਲ ਸੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਯੇ ਬੈਨ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਕੀ ਦੁਆ, ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਘਰ ਮੇਂ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮੇਂ ਗਿਆ ਥਾ ਸ਼ਾਦਰਾ ਮੇਂ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਬਹਿਨ ਕੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਕਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਕੋ ਔਲਾਦ ਦੇ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ, ਆਪ ਮਿਠਾਈਆਂ ਬਾਂਟੇ, ਯਸੂ ਆਪ ਪਰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਚੁਕਾ ਹੈ, ਆਮੀਨ। ਅਬ ਆਪਕੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਮੇਂ ਬੁਲਾਉਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਬਬਰਕਤ ਨਾਮ ਮੇਂ ਆਪ ਸਬਕੋ ਸਲਾਮ, ਹਾਥ ਹਿਲਾ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦੀਜੀਏ। ਆਪ 10 ਮਿੰਟ ਮੁਝੇ ਦੇ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਖੜੀ ਰਹੂੰ, 10 ਸੇ 15 ਮਿੰਟ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੂੰਗੀ, ਆਪ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਕਾ 10 ਸੇ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੂੰਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪ ਸੇ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਜੋ ਬਰਕਤ ਮੁਝੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਤੋ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਨ ਸਭ ਨੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ, ਕੁਆਇਰ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੇ ਵਸੀਲਾ ਸੇ, ਦੁਆਓਂ ਸੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਮ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਖਾਣਾ ਖਾਤੇ ਹੈ, ਉਸਮੇਂ ਤੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵੋ ਕੌਨ ਕੌਨ ਸੀ ਹੈ, ਸਾਲਨ, ਰੋਟੀ ਔਰ ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਨ ਤੀਨੋਂ ਚੀਜ਼ੋਂ ਕੇ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਮੇਂ ਸੇ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸਾਲਨ ਕੇ ਬਗੈਰ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਬੈਠੀ ਹੋਤੀ ਥੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਔਰ ਯਹਾਂ ਸੇ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਮੁਝੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੋ ਇਸ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਲੈਣੇ ਕਾ ਮਕਸਦ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੋ ਬਰਹੱਕ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਹਿਲਾਈਏ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੋਂ ਕੋ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥੋਂ ਕੋ ਉੱਪਰ ਹਿਲਾਈਏ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦੀਜੀਏ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ, ਔਰ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਨਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੱਥ ਨਾ ਉਠਾਈਏਗਾ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਮੇਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਅਸਰ ਕੀਆ ਹੋ ਵਹੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੀਜੀਏ। ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲ ਸੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਮੁਝੇ ਜੇ ਖਿਦਮਤ ਕਾ ਰੂਹ ਦੀਆ ਹੈ ਵੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਰ ਹੈ ਵੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਮੇਂ ਖਿਦਮਤ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੋ ਹੋਤੇ ਤੋ ਆਜ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹਾਂ ਹੋਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੀ ਖਾਸ ਮਰਜ਼ੀ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਸਭ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਬਰਕਤ ਕੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦੀ। ਆਈਏ ਹਮ ਇਸਤਿਸਨਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਕਾ 11 ਬਾਬ ਉਸਕੀ 26 ਸੇ 28 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰੇਂਗੇ। ਯੇ ਆਇਤ ਜੋ ਹੈ ਯੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਬ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕੋ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਯੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਜੋ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤੀ ਹੂੰ ਤੋ ਮੈਂ ਯੇ ਫੀਲ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਆਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਝੇ ਯੇ ਕਹਾ ਹੈ, ਆਜ ਯੇ ਬਾਤ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨੇ ਵਾਲੀ ਹੂੰ ਵੋ ਵੀ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹੈ, ਆਪ ਇਸਕੋ ਸਿੱਖੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਬਰਕਤ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦੀ ਹੈ ਉਸਸੇ ਦੁਗਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਕੋ ਦੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਆਈਏ ਹਮ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹਵਾਲਾ ਨਿਕਾਲੀਏ ਇਸਤਿਸਨਾ ਕੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਕਾ 11 ਬਾਬ ਉਸਕੀ 26 ਸੇ ਉਸਕੀ 28 ਆਇਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਰੇ ਆਗੇ ਬਰਕਤ ਔਰ ਲਾਨਤ ਦੋਨੋਂ ਰੱਖੇ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਬਰਕਤ ਉਸ ਹਾਲ ਮੇਂ ਜਬ ਤੁਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੇ ਹੁਕਮੋ ਕੋ ਜੋ ਆਜ ਮੈਂ ਤੁਮਕੋ ਦੇਤਾ ਹੂੰ ਮਾਨੋ, ਔਰ ਲਾਨਤ ਉਸ ਵਕਤ ਜਬ ਤੁਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਸ ਰਾਹ ਕੋ ਜਿਸ ਕੀ ਬਾਬਤ
आज तुमको हुक्म देता हूँ, छोड़कर और मबूदों की पैरवी करो जिनसे अब तक तुम वाकिफ नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, कहें आमीन। इस बात को खुदावंद ने जब मेरे आगे रखा तो मैंने ये देखा कि खुदावंद ने आज मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई है। ये खुदावंद मूसा से कह रहे हैं और बनी इसराइल कौम से कह रहे हैं कि मैं आज के दिन, जिस दिन मैंने ये पढ़ी मुझे उस दिन ऐसे ही लगा कि आज ही ये मेरे लिए ये कलामे मुकद्दस में आ गई है आयत और ये मैंने अपनी ज़िंदगी में लेनी है। मैंने इस बात को सोचा कि खुदावंद ने आज मुझे क्या देना है। मैं बाइबल जब पढ़ती हूँ मैंने देखा कि खुदावंद आज मुझे पता नहीं क्या देने वाला है। तो जब इस आयत को मैंने पढ़ा तो खुदावंद ने कहा कि मैं दो चीज़ें तेरे आगे रखता हूँ, एक लानत और एक बरकत। लानत कब मिलती है? जब हम खुदा के हुक्मों को नहीं मानते। हर इंसान में खुदा का रूह बसता है, ये आपका ईमान है? क्योंकि खुदा ने आदम में अपना दम फूंका, हालेलुया, और हम आदम की औलाद हैं, ठीक है? तो हम में खुदा का रूह बसता है, लेकिन हम जो खुदा के हुक्म हैं उनको इग्नोर कर देते हैं कभी कभी, तो उस वक्त हम अपने लिए लानत जो है वो अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लेते हैं। लेकिन जब हम खुदावंद के दिए हुए अहकामात को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो खुदावंद की बरकतें शुरू हो जाती हैं और वो ख़त्म होने वाली नहीं होती, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है जो बरकतें मैं तुम्हें देता हूँ वो कभी भी रायगा नहीं जाती या ख़त्म होने वाली नहीं है। खुदावंद ने ये बरकत मुझे दी और मैंने इस बात को लिया, मैंने दुआ की, मैंने कहा खुदावंद मैं तो आपके सारे हुक्मों को मानती हूँ फिर भी इंसान हूँ, बहुत सी गलतियाँ हैं मुझ में, बहुत सी कमियाँ हैं, तो आप मुझे बताइए। खुदावंद ने कहा नहीं बेटा, आपने पूरी अपनी ज़िंदगी मुझे देनी है। अब मैंने ये सोचा है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरे बाद मेरे बच्चे, और आपने खुदा के खादम को भी देख लिया है कि वो कितने जोशीले हैं, तो मैंने भी कहा खुदावंद मैं आखिरी सांस तक आपके लिए हूँ, आप मुझे जहाँ चाहें मुझे इस्तेमाल करें। आज का दिन मुझे नहीं पता था कि खुदा ने मुझे यहाँ खड़ा करना है, लेकिन खुदा ने कहा नहीं बेटा आपने जाना है तो मैं यहाँ आपके सामने हूँ। हालेलुया, मेरी ये बरकत है कि खुदा ने मुझे आम से घराने से, हम छः बहन भाई हैं, लेकिन खुदा ने मुझे बहुत बरकत दे रखी है और बहुत सरफराजी है कि मैं आज खुदा के कलाम की मनादी आप सबके सामने कर रही हूँ। हालेलुया, और खुदा ने ऐसे ही मैं अपनी इस बरकत को अपने बच्चों तक, अपने नस्लों तक चाहती हूँ कि खुदावंद ट्रांसफ़र करे, और ऐसा हो चुका है। और वो उस वक्त हुआ है जब मैंने खुदावंद पे अपना पूरा ईमान लगा दिया, और ये कामिल ईमान जो है मेरा, मुझे यकीन है कि मेरे खुदावंद ने वो बरकत मुझे दे दी है और मेरे हाथ में है। अपने हाथों को जब आप खोलते हैं खुदावंद के आगे तो वह कभी भी आपको खाली नहीं करता, वह आपके हाथों को भर देता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू मेरे लिए अपने मुंह को खोल तो मैं उसे भर दूंगा। जब आप अपने मुंह को खोलेंगे तो वह भर देता है, तो जब अपने हाथों को खुदावंद की तरफ बढ़ाएंगे तो क्या होगा? जैसे आज मौजजे हुए हैं हर वक्त होंगे आपकी ज़िंदगी में। आपका ईमान है कि हर वक्त मौजजे होते हैं? Yes. खुदावंद यीशु मसीह जो थे उनकी ज़िंदगी में बेशुमार मौजज़ात थे, लेकिन बाइबल मुक़दस में 35 से 40 के करीब जो मौजजे हैं उनका बयान आ चुका है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि जितने मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने किए, अगर वो कलामे मुकद्दस में लिखे जाते तो इस दुनिया में रखने की जगह ना होती। आइए हम सोचते हैं कि वो किस तरह हुए होंगे वो सब मौजज़ात। इतने मौजज़ात कैसे हो सकते हैं? खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत तो 3.5 साल की थी, किस तरह से हुए होंगे कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो वो कहते थे वो हो जाता था। हालेलुया, ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा ईमान है कि मेरा खुदावंद यीशु मसीह जब चलता होगा तब भी मौजज़ात होते होंगे, जब बैठते होंगे तब भी मौजज़ात होते होंगे, जब वो राह से जाते होंगे कोई उनको छू लेता होगा तब भी मौजज़ा। 3 साल में कितने घंटे होंगे, उन घंटों में कितने मिनट्स होंगे, कितने सेकेंड्स होंगे? मेरा ईमान है कि हर सेकंड के 100वें हिस्से में भी मौजज़ा होता होगा। हालेलुया, और वो मौजज़ा अगर आज किताबे मुकद्दस में लिखे जाते तो हम लोग अभी तक बाइबल पूरी मैं नहीं पढ़ सकी, तो हम ये नहीं सोच सकते थे कितने मौजज़ा थे। खुदावंद यीशु मसीह का सिर्फ नाम लेना ही मौजज़ा है,
आज हमारा ये ईमान था कि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पे हैं, तो उसके इवज खुदा ने हमें बड़ी बरकत दी और आप सब के ईमान के मुआफिक हम जो करते हैं वो हमारी ड्यूटी है कि हमने खुदावंद से कहना होता है अपने पूरे ईमान से। हमारा ईमान भी खुदावंद की तरफ 100% होता है। लेकिन जब आप आ जाते हैं इस ग्राउंड में तो आप भी अपना सारा वक्त सारा ध्यान अपने यीशु पर लगा दीजिए। जब आप अपना ध्यान अपने यीशु पर लगा देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं। हमारा ध्यान हमारे यीशु पर नहीं होता। जब हम यहाँ आ जाते हैं हम बहुत सी दूसरी चीज़ों को देखते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमान के ईमान को कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह को तकते रहेंगे। क्या हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को? जब हम यहाँ आते हैं तो यही रो रो के दुआएं करते हैं, खुदावंद मुझे निजात दे, मुझे शफा दे। आप कहाँ करें कि खुदावंद ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी में है, इसको आज आप यहाँ से ख़त्म कर दें। मैं इसे घर लेके नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कि ऐ खुदावंद खुदा तू मेरी ज़िंदगी में ये काम कर दे आज के दिन। क्योंकि ऐ खुदावंद तू हर रोज़ मेरे लिए एक प्लान करता है और हर रोज़ मेरी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत है खुदावंद की तरफ से। खुदावंद की बरकत को कभी ना छोड़ के जाया करें। जब आप यहाँ पे आ जाएं तो आप ये ना देखें कि आपके बच्चे कितना आपको तंग कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आई मेरे बच्चों ने मेरा बुरा हाल कर दिया। हमारे घर में यही प्लान हुआ था हम इन्हें नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वो आए और मैंने मैसेज भी देना था। मैंने दुआ की खुदावंद अब मैं क्या करूँ। मैंने खुदा से कहा खुदावंद मेरा ईमान है कि जब मैं ऊपर बोलूँगी तो मैं कुछ नहीं करूँगी, आप ही होंगे, जो कुछ भी आप भी करेंगे। तो जब मैं आज मैं फर्स्ट टाइम इतने लोगों में मैसेज दे रही हूँ। चर्च के हवाले से तो खुदावंद ने मुझे इस्तेमाल कर चुका है और सडन मैं कहीं मीटिंग 2-3-4 मीटिंग्स में भी मैसेज दे चुकी हूँ। लेकिन जो प्लान आज का था मेरे खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में रखा वो ये था कि लोगों को ये बता दो बेटा कि अपनी बरकत जब यहाँ आए तो उस बरकत को लेके जाएं, जिस बरकत के लिए आज मैं उन्हें देने के लिए बैठा हूँ यहाँ पे। खुदावंद चलता फिरता लोगों को नज़र आया है, खुदावंद यहाँ पे मौजूद है अभी भी। आप ईमान की आंखों से देखें, हर बहन ये समझे कि मेरे साथ मेरा यीशु है, हर भाई ये समझे कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है और वो मुझे मेरे हर तरह की बुराई से हर तरह के गुनाह से शिफा देना चाहता है। आमीन। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने हदिये के लिए दो भाई वहाँ पे खड़े किए थे। एक पता नहीं लड़की थी या लड़का, भाई है या बहन है मुझे नहीं पता, उसने अपना मोबाइल थैली में डाला। खुदा के खादम ने यहाँ पे जो कुछ भी कहा था वो 100% सच था, इसलिए कि अगर सच ना होता तो वो भाई अपना मोबाइल उसमें ना डाल के जाते। ठीक है, अपने दिल में आने वाली खुदा की बातों को कभी ना दबाया करें। खुदा ने हमें कहा यह खिदमत कर दो तो हमने शुरू कर दी। हमारा ईमान ये यहाँ तक है कि अगर हमें अपना घर भी बेचना पड़े ना तो हम वो भी बेच के खुदा का काम करेंगे। हालेलुया। हमारे दिल में, क्योंकि हमें पता है कि खुदा ने हमें हर चीज़ दे देनी है, हमें कोई फिक्र नहीं है इस बात की कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, हमें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। खुदा के खादम के दिल में ये बात खुदा ने ही डाली थी, ये मेरा ईमान है। अगर उस ईमान को आप लोगों ने छुपाया है तो आज उस ईमान को अपने दिल में ना रखें, अपने हाथ खड़े करें। क्योंकि ठीक है आपके पास है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो खुदा का खादम यहाँ पे कहता है वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता, उसके पीछे खुदा का रूह होता है और उन्हें खुदा हर चीज़ बता देता है। आप अपने दिल में आने वाली खुदा की बातों को, क्योंकि खुदा का रूह हम में बसता है, जब हम अब खुदा के रूह की बातों को छुपाते हैं तो खुदा गमगीन होता है, खुदा को दुख होता है। अपने दिल में आने वाली हर अच्छी बात को कभी ना दबाएं और कह दिया करें, सामने आपके साथ कोई भी बैठा हो शेयर किया करें। इससे खुदा का कलाम जो है वो फैलता है दूसरों तक, आपका ईमान और मजबूत होता है। और जब खुदावंद ये सब चीज़ें आप में देखता है तो आपको मेरी तरह वहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ तक की बरकत खुदावंद आपको देगा। आमीन आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, मेरा ख्याल है 10-15 मिनट हो गए, और सब अपने ईमान के साथ अपना ईमान इतना मजबूत करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरे साथ है, मैं आज अपनी बरकत को तुझसे लेना चाहती हूँ। खुदावंद के हुक्मों को अपनी जिंदगी में लीजिए, खुदावंद की बातों को अपनी जिंदगी में लीजिए,
देखिएगा खुदावंद बड़े बड़े काम करेगा आपके लिए। आए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे, बरकत की दुआ करेंगे। सब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और खुदावंद से आज के दिन की अपनी बरकत लेके जाइए, क्योंकि खुदावंद जो है वो आपको पूरी खुराक देना चाहता है। खुदावंद ऐसा नहीं चाहता कि वो आपको थोड़ा खाना आज दे और थोड़ा कल, जो आज का है वो आज ही आपको मिलेगा। खुदा के कलाम में लिखे हैं आज का दुख आज के लिए काफ़ी है, तो आज की बरकत आज के दिन के लिए काफ़ी है। अपनी बरकत को लेके जाइएगा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और ज़ोर ज़ोर से दुआ कीजिए और खुदावन से कहिए कि खुदावन पाक खुदा, आप आज के दिन मुझे क्या देना चाहते हैं, मेरी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जिसे आप निकालना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बरकत है खुदावन जिसे आप मुझे देना चाहते हैं। ऐ खुदावन मैं तेरे आगे अपने बाहें फैलाए खड़ी हूँ, मैं अपने हाथ खोले हुए खड़ा हूँ ऐ खुदावन पाक खुदा। ऐ खुदावन तू मेरी सारी तकलीफ़ों बीमारियों को अपने हाथ में ले ले, मेरे सारे दुखों को अपने हाथ में ले ले, मेरी सारी बीमारियों को अपने हाथ में ले ले। ऐ खुदावन पाक खुदा मैं अपने बाहें खोले हुए खड़ी हूँ, तू मेरे हाथों में मेरी बरकत दे ऐ खुदावन खुदा। और ऐ खुदावन तू ऐसा खुदावन है जो आसमान से मन बरसाता है ऐ खुदावन खुदा, आज वो मन वो रोटी वो बरकत ऐ खुदावन जो तू मुझे देना चाहता है मैं लेके जाना चाहती हूँ ऐ खुदावन, मैं खाली नहीं जाना चाहती ऐ खुदावन पाक खुदा, मैं अपने घराने के लिए बरकत चाहती हूँ ऐ खुदावंद पाक खुदा, मैं अपने मोहल्ले के लिए बरकत चाहती हूँ। और ऐ खुदावंद खुदा सबसे बढ़कर ऐ खुदावंद खुदा जिस जगह पे हम रह रहे हैं खुदावंद, मैं मुल्के पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ ऐ खुदावंद, सारे अजाब सारे ऐ खुदावंद तकलीफ़ें जिन चीज़ों को खुदावंद आज हम फेस कर रहे हैं ऐ खुदावंद, लोड शेडिंग और भी बहुत सी ऐ खुदावंद पाक खुदा बीमारियाँ ऐ खुदावंद, लाचारियाँ बेबसी बेरोजगारी परेशानियाँ ऐ खुदावंद, हेपेटाइटिस ऐ खुदावंद, हर तरह की बीमारी तेरे यीशु नाम से जाती रहे ऐ खुदावंद खुदा, तो आज हमें छू और वो बरकतें दे ऐ खुदावंद, हमारे खुले हाथ तेरी तरफ हैं ऐ खुदावंद, हम हाली नहीं जाना चाहते। हालेलुया हालेलुया खुदावंद तेरा शुक्र हो, यू आर होली तेरा शुक्र हो, ग्लोरी टू गॉड खुदावंद खुदा, सारा इज्जत सारा जलाल सारी हशमत तेरे बुजुर्ग नाम को देते हैं खुदावंद पाक खुदा। ऐ खुदावंद तू हमारे साथ हो खुदावंद पाक खुदा, सब अपने हाथों को आसमान की तरफ ही बुलंद रखिए, खुदावंद आपको बरकत दे रहा है, आप अपनी जिंदगी में अपने मौजजात को रिसीव कीजिए, खुदावंद आपके साथ खड़ा है, खुदावंद आपके बीच में है, उसका वादा है जहाँ मेरे लोग जमा हों मैं उनके दरमियान में हूँ। तो खुदावंद ऐसा खुदा नहीं है जो एक ही जगह है, वो यकसा खुदा है, वो हर जगह मौजूद है, वो आपके दिलों में भी है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मेरा खुदावंद नहीं बसता, मेरा खुदावंद पाक खुदा हर जगह मौजूद है, वो मुझे हर वक्त अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी तारीफ करती हूँ, तू भला खुदावंद है ऐ खुदावंद, तेरी इस मोहब्बत के लिए ऐ खुदावंद मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि मैं इस लायक नहीं थी, ऐ खुदावंद मैं इस लायक थी तो तू मुझे यहाँ पे लाया, ऐ खुदावंद मैं इस लायक थी तो तूने मुझे अपने कामों के लिए चुना, ऐ खुदावंद जो तेरे लायक नहीं होते ऐ खुदावंद तूने लूसीफर की तरह आसमान से नीचे गिरा दे, ऐ खुदावंद खुदा मैं तेरे लायक थी तो तू मुझे ऐ खुदावंद यहाँ लाया, ऐ खुदावंद खुदा हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, ऐ खुदावंद तेरा नाम अब्दुल आबाद है, तेरा नाम सब नामों से ऊंचा है, तुझे खुदावंद मुबारक कहते हैं, तू पाक है खुदावंद तेरा शुक्र हो, यू आर होली तेरे लहू की बाढ़ लगा देते हैं खुदावंद पाक खुदा, एक एक जान पर तेरा लहू मांग लेते हैं ऐ खुदावंद, एक एक को छू इन्हें ब्लेस कर और इनकी सारी बरकतें आज के दिन दे दे ऐ खुदावंद, मैं अपने ईमान से मांगती हूँ और ऐ खुदावंद मैं इसी सेकंड अपने ईमान के माफी की सारी चीज़ें पा लेती हूँ यीशु के नाम से।